फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ मी आरुषि एंड इन टुडेस वीडियो वी आर गोना कवर आवर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। तो एसिड सबसे पहले यहाँ हमें दिया गया है। तो एसिड होता क्या है, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी क्या हैं, खट्टी हैं। ऑल द फोर थिंग्स आर सोर। तो ये क्या है, एसिडिक। जो भी चीज़ें खट्टी होती है, दैट आर एसिड। ठीक है, तो जैसे हमने आज तक सुना है कि जो एसिड होते हैं, वो सारे एसिड, मतलब हम अगर किसी चीज़ पर पड़ जाए तो वो चीज़ जल जाती है पूरी की पूरी। बट नहीं, कुछ एसिड होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक ऐसा ही एसिड है जो कि हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, जो कि है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन डाइजेशन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। जो एसिडिक चीज़ें होती हैं वो खट्टी होती हैं, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बेटर यानी कि कड़वी होती हैं। और जब उन्हें टच करते तो हमें रफ़ रफ सा, सोपी सा लगता है। जैसे कि अगर हम अपने वॉशिंग पाउडर को टच करें तो हमें बहुत रफ रफ सा लगता है, अलग अलग सी फीलिंग आती है, दैट इज़ अ बेसिक। ठीक है, तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो वो दो क्वेश्चन की तरफ भी हम नज़र डाल लेते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एसिड, एसिडिक। व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ बेस, बेसिक। यानी कि अगर कोई चीज़ एसिड हो, किसी चीज़ में एसिड हो तो उसे क्या कहते हैं, एसिडिक। और अगर किसी चीज़ में बेस हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक। ठीक है, बेसिस के कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, वॉशिंग पाउडर, ब्लीच। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। हमें स्पेशल सब्सटेंसेस आते हैं ताकि पता लग सके कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। अगर हम वैसे हमें पता लग जाएगा कोई चीज़ खट्टी है तो वो एसिड है, कोई चीज़ कड़वी है तो वो बेस है। पर हम हर चीज़ को तो नहीं खा सकते। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं हमारे वॉशिंग पाउडर का। अब हम वॉशिंग पाउडर को टेस्ट करके तो नहीं बता सकते ना कि वो कड़वा है या खट्टा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ेगा। इंडिकेटर स्पेशल सब्सटेंस होता है जो कि अपना कलर चेंज करता है जब उसके अंदर एसिड या बेस डालते हैं। इंडिकेटर एक मतलब चीज़ होती है, अगर हमने उसमें एसिड डाला तो वो कलर चेंज करेगा, बेस डाला तो कलर चेंज करेगा। दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, और जो सिंथेटिक जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं लिटमस, चाइना रोज पेटल एंड टर्मरिक। लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, लिचन से मिलता है। ठीक है, लिचन इज़ अ प्लांट, LICHEN, लिचन से मिलता है। और टर्मरिक यानी हल्दी, चाइना रोज पेटल यानी कि रोज़ के पेटल, चाइना का जो रोज़ होता है उसके पेटल से भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, पहले लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसे हम नेचुरल डाई भी कह देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया वो लिचन एक प्लांट है, उससे ऑब्टेंड होता है। इट इज़ अवेलेबल इन पेपर स्ट्रिप्स। जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर स्ट्रिप्स भी होती है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो ये रेड एंड ब्लू कलर में आते हैं। जो जब हम लिटमस ब्लू पेपर, लिटमस ब्लू, लिटमस की जो ब्लू शीट, हम ब्लू पेपर स्ट्रिप, जैसे स्टिकी नोट्स नहीं होते हमारे पास, तो स्टिकी नोट्स की तरह छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स आती हैं। तो अगर हम उसे जो एसिड में हम ब्लू पेपर डालें तो वो रेड हो जाता है, और अगर हम बेस में रेड पेपर डालें तो वो ब्लू हो जाता है। हमें पता, जैसे रेड एंड ब्लू सिर्फ रेड एंड ब्लू होती है। ठीक है, तो हमें कैसे याद रखेंगे, हम कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखने का हम एक चीज़ देखते हैं। एसिड हमने आज तक सुना ये बहुत ख़तरनाक होता है, तो ख़तरनाक का कलर क्या होता है, रेड। मतलब इसमें ब्लू डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, रेड यानी ख़तरनाक। बेसिस आप रेड पेपर डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, टर्मरिक यानी हल्दी, जनरली मिक्स विद वाटर। इसे हम वाटर साथ मिक्स करते हैं और ब्लॉटिंग पेपर पर रख देते हैं। ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा पेपर जो कि वर्क करता है एज अ अब्जॉर्वर, यानी कि हम एक नेट लेते हैं, वो ब्लॉटिंग पेपर का एक एग्जांपल। जैसे हमारे घर पर नेट्स होते हैं, नेट्स, तो हम एक नेट लेते हैं और उस पर हम सॉल्यूशन डाल देते हैं ऑफ टर्मरिक एंड वाटर। टर्मरिक और वाटर को मिक्स करके हम एक नेट पे डाल देंगे तो सारा वाटर सूख जाएगा और वहाँ एक शीट बन के रह जाएगी, और उसे हम कट 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 करके बहुत सारी पेपर स्ट्रिप्स बना लेंगे, जिससे हमारा टर्मरिक पेपर स्ट्रिप आ जाएगा बनकर। ठीक है, टर्मरिक पेपर स्ट्रिप
भी यूज़ होता है टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो अगर हम किसी एसिड में डालें तो वो जो पेपर स्ट्रिप है वो येलो की येलो ही रहेगी, और अगर किसी बेस में डालें तो वो ब्राइट रेड कलर की हो जाएगी। नाउ चाइना रोज पेटल जो कि एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम। तो जब हम इसे चाइना रोज पेटल को हम किसी एसिड में डालते हैं तो ये डार्क पिंक हो जाती है, डार्क पिंक या फिर मजेंटा, ठीक है। तो और अगर हम इसे बेसिक में डालते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है। एक और टर्म है न्यूट्रलाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा एसिड और बेस, अब हम सॉल्ट के बारे में भी तो पढ़ना है, तो सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस, सॉल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस है जो कि ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म होती है, ठीक है। तो अभी तो हमने मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है फेनोप्लेथीन, ये देखो ये लिखा फेनोप्लेथीन, एंड हमारे पास एक और था मेथियल ऑरेंज, ठीक है। मेथियल ऑरेंज और फेनोप्लेथीन, जब हम फेनोप्लेथीन पिंक कलर का होता है, ये जो फेनोप्लेथीन होता है पिंक कलर का होता है, और अगर हम इसे किसी एसिडिक में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, और हम किसी बेसिक में डालते हैं तो ये फिर से पिंक हो जाता है। तो हम न्यूट्रलाइजेशन पढ़ रहे थे, वो मैं आपको इंडिकेटर्स पढ़ाना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको ये इंडिकेटर्स पढ़ा रही थी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे पास कौन से थे, लिटमस था, हमारे पास लिटमस था, चाइना रोज पेटल था एंड टर्मेरिक थे, और यहाँ हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से, फेनोप्लेथीन एंड मेथियल ऑरेंज, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म होती है, और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट होता है। न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड इज रिएक्टेड विद बेस, मतलब एसिड इज मिक्स विद बेस एंड इट फॉर्म्स सॉल्ट, ठीक है। व्हेन न्यूट्रलाइजेशन ऑकर्स, जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो क्या कहते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो राइज होता है, और जो हमारे पास आता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास मिक्सचर होता है वो गर्म हो जाता है, जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो हीट पैदा होती है, और जो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर राइज, जो मिक्सचर का टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होती है, एसिड प्लस बेस, हम इसका फॉर्मूला करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास HCl प्लस NaOH इक्वल टू H2O प्लस NaCl। तो HCl एक एसिड है जिसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये एक कॉमन एसिड है। अब NaOH इज़ अ बेस जिसका पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास H2O प्लस NaCl आएगा। यहाँ मैंने आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको इसका पूरा अच्छे से लिख देती हूँ। तो हमारे पास HCl हमारे पास हमारा क्या कहते हैं एसिड है, प्लस NaOH हमारा बेस है, उसके बाद H2O हमारे पास यहाँ हमारा क्या है वाटर, उसके बाद हमारे पास जो सॉल्ट आता है वो है NaCl, ठीक है। तो देखिए अब एक हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है विच इज़ द कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो NaCl इज़ अ कॉमन सॉल्ट जो कि हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ हमारे पास कॉमन सॉल्ट कौन सा हुआ, NaCl। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ बेस है, तो बेस बेटा क्या होता है कि जो बेस होता है उसके पीछे OH लगा होता है, OH जिसके पीछे OH लगा होता है वो सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे, हमारी न्यूट्रलाइजेशन हम रोज़ के रूटीन में करते हैं पर हमें पता नहीं लगती। सबसे पहले इनडाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, बट सम टाइम जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिड कर देता है तो वो क्या हो जाता है, हाइपर एसिडिटी कॉज करता है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेस, ठीक है। तो हम ऐसे तो नहीं कि हम यहाँ NaOH खा लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड खा लें, ऐसा नहीं होता ना। तो हम क्या करेंगे,
अब हमारी हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब, एंटा एसिड का मतलब क्या होता है, एंटा यानी अपोजिट टू एसिड, एंट यानी अपोजिट टू एसिड, ठीक है। अपोजिट टू एसिड क्या होगा, हम बेस, तो हम बेस का यूज़ करेंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टू न्यूट्रलाइज द सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्टली अभी हम पढ़ रहे थे न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे, मतलब हमारे पास होती है एंट स्टिंग या एंट बाइट। जब हमें एंट काट जाती है, चींटी काट जाती है, तो हमारी स्किन में इरिटेशन होने लग जाती है बिकॉज वो एसिड प्रोड्यूस करती है। तो एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमारे पास, हम उसके लिए जो दवाई होती है उसे हम कहते हैं कार्बोनेट कैलामाइन। कार्बोनेट कैलामाइन का हम यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई चींटी काटती है तो हम वहाँ कार्बोनेट कैलामाइन लगाते हैं ताकि जो एसिड का असर है वो कम हो जाए। अगर हमारे पास एसिड ना हो तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा हम अपने लगा लें तो फिर भी वो जलन जो है वो कम हो जाएगी। या फिर हम यहाँ जिंक कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अगर हमें कोई चीज़ काटती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बोनेट कैलामाइन, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट, प्लांट्स नीड न्यूट्रल सॉइल, प्लांट्स जो होते हैं न्यूट्रल सॉइल चाहिए होता है, ठीक है। ड्यू टू एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इट बिकम एसिडिक, जब हम इसमें केमिकल फर्टिलाइजर डालते तो वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स में एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो जब ज़्यादा हम फर्टिलाइजर डाल दें तो वो एसिडिक हो जाता है। तो उसके लिए हम बेस यूज़ करते हैं जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एंड लास्ट, तो फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री वेस्ट होती है वो एसिडिक होती है इन नेचर। तो हमें जो फैक्ट्री वेस्ट होती है वो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में छोड़नी होती है। तो जो रिवर्स और स्ट्रीम्स है वो गंदी ना हो, इसीलिए हम क्या उसमें बेसिस डालते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ ही ख़त्म होता है। तो हम जानते हैं कि हमने आज पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है। तो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि एसिड क्या होते हैं, एसिड होते हैं खट्टे जो चीज़ें होती हैं, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं जो सोपी सोपी सी लगती हैं, रफ रफ सी लगती हैं और कड़वी होती हैं, और जो केमिकल नेचर ऑफ एसिड क्या होता है, एसिडिक। केमिकल नेचर ऑफ बेस क्या होता है, बेसिक। वन एग्जाम्पल ऑफ एसिड इज HCl और वन एग्जाम्पल ऑफ बेस इज NaOH। विच एसिड डज अवर स्टमक प्रोड्यूस, हमारा स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है। तो हाउ कैन वी चेक दैट अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज़ें टेस्ट तो नहीं कर सकते कि कौन सी खट्टी है और कौन सी कड़वी है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल जो कि हमें मिलते हैं नए नेचर से, और जो सिंथेटिक होते हैं वो हम खुद बनाते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, लिटमस, टाइनरोस्पेरल एंड टर्मरिक। और जो हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं फेनोप्लिथीन एंड मेथियल ऑरेंज। अब सॉल्ट, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, सॉल्ट होता है बाय द प्रोसेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कैसे ऑकर होती है, तो जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन आती है, और न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट होता है। तो इसका हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ आप इसे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट भी कह सकते हैं या न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास HCl प्लस NaOH इक्वल टू H2O प्लस NaCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। तो हमारे पास कैसे आता है ये भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा क्या क्या यूज़ होता है, न्यूट्रलाइजेशन का क्या क्या यूज़ होता है हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो एसिड हमारी एंट जब काटती है तब उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए एंड फैक्ट्री वेस्ट के लिए। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।